कि रिश्ते बड़े अजीब हैं। अजीब इस तरह से कि साथ होंगे तो ऐसा लगेगा कि कभी जुदा ही नहीं होंगे, कभी मुंह ही नहीं फेरेंगे, लेकिन जब टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी इनसे जान पहचान ही ना थी। आज के रिश्तों का साथ सिर्फ तब तक ही अहमियत रखता है जब तक असरार के पर्दों में पोशीदा और जब तक मुतबादल ना मिल जाए। मुतबादल मिलते ही आज हमारे रिश्तों का सारा भरम एकदम से टूट जाता है। दोस्तियां ख़त्म, ऐसे जैसे कोई किस्सा कहानी शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। यहाँ पे टाइम पास और वक्ते लगाव रखने वाले लोग, जब भी उनको कोई रिप्लेसमेंट मिल जाती है, मुतबादल मिल जाता है, वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, नई ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच कुछ लोग आज भी ज़िंदा हैं जो मोहब्बत और एहसास रखते हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ मोहब्बत, एहसास और मान की टूटी कुर्सियाँ ही आ जाती हैं और सिर्फ सिसकियाँ रह जाती हैं। लेकिन याद रखना, सिसकियों से पहले, अपने आंसू तकिए पे बहाने से पहले, किसी की गलत बात बर्दाश्त करने से पहले, मेरी बातों को याद रखना कि वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को ना यूँ ठंडा कर देगा जैसे इसने यकूब की आंखों को ठंडा किया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ उससे बेहतर हालत में वापस कर देगा जैसे कि उसने अंधे कुएं से यूसुफ को निकाला। और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा काम नहीं है सोचना, ना आपका काम है सोचना। हमारा काम क्या है, हमारा काम जस्ट दुआ करना है, हमारा काम सिर्फ इल्तजा करना है, और फिर देखो उसके मौजज़े जो मेरे और आपके और इस पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर देंगे।